नमस्कार दोस्तों, ब्लू टेक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं विशाल गुप्ता आज आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ऑनलाइन आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं, वो भी नेट बैंकिंग से। एक बात और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस राइट बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपना सीएससी से रिलेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं, जिससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। आधार कार्ड लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है SBI लॉगिन। सर्च करते ही आपके सामने सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। आपको जस्ट इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले स्टेट बैंक के लॉगिन पोर्टल शो हो जाएगा। इस पर आपको जस्ट कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग यूजर नहीं हैं तो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड है तो मैं यहाँ पर डालकर उसे लॉग इन कर लेता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको बस लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आपके अकाउंट का डैशबोर्ड शो हो जाएगा, जहां पर आप अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस और अपने खाते की 10 ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। क्लिक और आधार अपडेट करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन अपडेट आधार विद योर बैंक CIF पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा। आपको उसे प्रोफाइल पासवर्ड डालकर एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर बटन पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट के CIF नंबर आपको शो हो जाएगा, और इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद कंफर्म आधार नंबर डालना है, यानी कि आधार नंबर को दोबारा से एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। मैं अपना आधार नंबर बैंक खाते में पहले से लिंक कर चुका हूं, इसीलिए यहां पर ये स्टेटस शो हो रहा है। योर आधार नंबर इज ऑलरेडी वेरीफाइड एंड लिंक्ड इन बैंक रिकॉर्ड। आधार कार्ड लिंक होने की वजह से यहां पर ये आ रहा है। आप जैसे यहां किसी प्रक्रिया से अपने खाते को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।